मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के संकल्प सभागार में शुक्रवार को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रविंद्र गोयल एवं मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी सहित अन्य अधिकारियों ने बजट पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट 2024-25 में उत्तर मध्य रेलवे को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 11,321.94 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट 10,955.5 करोड़ से 3.34% अधिक है। महाप्रबंधक ने बताया कि इसमें मुख्यतः नई लाइनों के निर्माण हेतु 0.13 करोड़, आमान परिवर्तन के लिए 590.00 करोड़, दोहरीकरण के लिए 3,669.14 करोड़, यातायात सुविधाओं के लिए 1,294.91 करोड़, सड़क संरक्षा कार्यों के लिए 545.94 करोड़, रेलपथ के नवीनीकरण हेतु 860 करोड़, पुल संबंधी कार्यों के लिए 169.75 करोड़, सिग्नलिंग कार्यों के लिए 460 करोड़, बिजली कार्यों के लिए 226.81 करोड़, कारखानों हेतु 82 करोड़, कर्मचारी कल्याण के लिए 37.73 करोड़, उपभोक्ता सुविधाओं के लिए 951.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं। रेलवे स्टेशनों के साथ मेट्रो स्टेशनों के एकीकरण, गिट्टी रहित ट्रैक, त्वरित जल व्यवस्था प्रणाली की स्थापना, गुड्स शेडा में अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, स्टेशनों के उन्नयन हेतु उपभोक्ता सुविधाओं के अंतर्गत प्रमुख उन्नयन, रेलवे प्लेटफार्मों पर एक्सकेटर, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, स्टेशनों पर लिफ्टों के प्रावधान तथा दिव्यांगजन एवं अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान है। कि हमारा जो कवच का कार्य है वो दो सेक्शन में चल रहा है। जो NCR की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो हमारा जो गाजियाबाद से लेके DDU तक, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक, और दूसरा चल रहा है मथुरा से लेके पलवल तक। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो मथुरा से लेके पलवल तक का जो काम है वो पहले ही पूरा हो चुका है, और उसमें लोगों के ट्रायल चल रहे हैं जो कि RDSO के द्वारा किए जा रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, गाज़ियाबाद से लेके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काफ़ी सारा हो चुका है। ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है और लोगों के ऊपर भी काम चल रहा है। जो एक बार ट्रैक के काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसकी लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। NCR को काम दिया गया है 300 लोगों में भी कवच का इक्विपमेंट फिट करने के लिए, जिसमें गाज़ियाबाद शेड के भी लोकोज हैं। तो हम लोग टोटल गाज़ियाबाद, झांसी और कानपुर शेड के 300 लोकोज में मिला के कवच का इक्विपमेंट लगाएंगे। तो पूरे समय से चल रहा है कार्य और इसमें कोई देरी होने की संभावना नहीं है। इस अवसर पर CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय, जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। और जो